गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख सकते हो कितना अंधेरा है। जो ये बोलते हैं ना कि बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, बहुत मज़े हैं, ये मज़े हैं। इतनी सुबह सुबह उठ के आपको जाना पड़ता है इतने अंधेरे में काम पर, क्या करें, यहाँ की ज़िंदगी यही है। तो आज का मेरा दिन शुरुआत करते हैं। मैंने ये वीडियो बनाने नहीं थी पर मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, है ना। क्योंकि लोगों को आजकल कैरिंग स्पॉन्सर का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैरिंग की जॉब कैसी होती है, क्या काम होता है और इसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है ना, और कितने बजे उठना पड़ता है। सो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, जितना मैं बता सकती हूँ एटलीस्ट मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ना केयरिंग के शिफ्ट का जो टाइम है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर आप केयर रूम में जाते हो तो समटाइम यू विल गेट 8 to 8, है ना, यानी कि पूरे 12-12 घंटे की शिफ्ट मिलती है। समटाइम आपको 8 घंटे की मिलती है, जैसे 6 से 2 और 2 से 8, ठीक है। और रात को होता है नाइट शिफ्ट 8 to 8, यानी 4 रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक। तो ये वो इस तरह का होता है, कभी कभी 8 घंटे की होती है, कभी कभी 6-6 घंटे की होती है, ठीक है। 6 से 2 तो 6 घंटे हो गए, 8 घंटे की भी शिफ्ट देते हैं। सो वो टाइमिंग पर डिपेंड करता है। अच्छा, और जो डोर टू डोर होता है वो जो हमेशा मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं वो 6:30। अगर कोई क्लाइंट बहुत ज़्यादा दूर है तो आपको 6 बजे स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे आज मुझे देखो कि मैं घर से निकल गई हूँ, ठीक है, एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू द बस। फिर आगे से हमारे वहाँ जहाँ से ड्राइवर आएंगे तो हम उस गाड़ी चले जाएंगे, आप ले लोगे आगे जाके। जो शिफ्ट होती है वो डिफरेंट होती है और डोर टू डोर अलग होता है। केयर रूम में तो आप जाओगे वहाँ पे, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं वैसे उनके रूम बने होते हैं, उनका काम होता है पर्सनल हाइजीन, आपको उनकी चेक करनी होती है उनको। अगर आपकी कोई सीनियर नर्स वहाँ पर है वो आपको बोल देती है कि मेडिकेशन देना है तो दे दो, है ना, इस तरीके से वहाँ पर होता है, वो डिफरेंट है। लेकिन डोर टू डोर में क्या होता है, आप दो होंगे, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी है, वो भी गाड़ी में बैठी हुई है, बारिश आ रही है तो मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगी इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो डोर टू डोर में हम जाते हैं, है ना, क्लाइंट्स के 5-6 क्लाइंट्स होते हैं एक दिन एक क्राउड में, यानी कि मॉर्निंग में होता है ब्रेकफास्ट एंड लंच कॉल होता है। पहले ब्रेकफास्ट में हमें जाना होता है, उनको देखना होता है, उनको पर्सनल हाइजीन देनी होती है, चेक करनी होती है उनको, सम टाइम मेडिकेशंस होती है वो भी देते हैं हम, और कभी कभी हमें उनके साथ बातें भी करना पड़ता है क्योंकि वो अकेले होते हैं, है ना, और उनको ब्रेकफास्ट अगर उनको चाहिए तो वो कभी कभी वो खुद मांग लेते हैं, कभी कभी वो डिसेबल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको पता होता है बुक में लिखा होता है, तो उसी तरीके से आपको उनकी हेल्प करनी होती है। सो डोर टू डोर में क्या है ना कि आपके 2 राउंड लगेंगे एक क्लाइंट के। सपोज़ करो कि आपके 6 क्लाइंट्स हैं तो यानी कि आपके 12 राउंड होंगे, ठीक है। तो 8 घंटे की शिफ्ट होती है, एक क्लाइंट के घर पे आपने आधा घंटा मिलता है आपको, समटाइम 45 मिनट्स भी मिल जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपने वो आधा घंटा वहीं लगाना है। आधे घंटे में से ज़्यादा 10-15 मिनट लगते हैं, और उसके बाद इवनिंग में सेम होता है, जैसे इवनिंग कॉल्स होती है और बैड इवनिंग में उनको फिर से कुछ खाने पीने को देना है अगर उनको चाहिए, उनको जो भी उनको चाहिए होता है, और बेड टाइम में उनको सबको बेड पर डाल देना होता है, सुला देना होता है, ख़त्म कहानी। तो ये तो हो गया कि क्या क्या है, तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, कभी डिटेल में मेरा टाइम होगा तो मैं बताऊँगी। अभी बारिश आ रही है, अंदर जाती हूँ, फिर आगे की डिटेल बाद में। कुछ ये हमारे साथ है, ये भी देखो, ये नहीं मेरी फ्रेंड मेरे साथ आज, ये है किरण, तो ये भी है किरण। क्या हो गया किरण, शर्माते क्यों आप, कम ऑन किरण, कम ऑन बेबी। ये यार यहाँ पे ना मैंने यूके में एक मुझे ऐसी बंदी मिली है जो हिंदी गाने सुनती है और वो भी इतने नाइस, है ना किरण। अभी किरण देखना अभी ऐसे बजाएगी, लेकिन मैं बजा नहीं सकती, मेरे उसमें कॉपीराइट आ जाएगा। डोर टू डोर में आप नेहा कक्कड़ के गाने भी सुन सकते हो घूमते घूमते, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हो, बीच में खा पी सकते हो। सही है, मनिंदर टायर्ड हो गई है, बहुत ज्यादा टायर्ड। केयरिंग की ना इवनिंग शिफ्ट थी और मैं इतना ज्यादा लेट हो गई कि मेरे बाल देखो कैसे नीले हैं, और ऐसे ही आ गई भाग के, ना कंघी मारी ना कुछ, बस बुरा ही हाल मेरा। तो मैं आपको बता रही थी कि क्या डिफरेंस है केयर होम में और डोर टू डोर में, है ना। तो डोर टू डोर में ना थोड़ा रिलैक्स है, आप आराम से काम कर सकते हो, आपके ऊपर उतना, आपके ऊपर आपका बॉस नहीं बैठा होगा। मैं ना साथ में देख रही हूँ कि मेरा ड्राइवर आने वाला है, इसलिए मैं आपका
बॉस आपके सिर के ऊपर बैठा नहीं होता ना, तो आप अच्छा काम करते हो ना, आराम से काम करते हो, रिलैक्स माइंड से काम करते हो। और केयर होम में भी ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर होता है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे ना एक चीज़ बहुत है, वहाँ पे ये सोचते हैं तू मेरा काम कर दे, मेरा काम भी तुम कर दो, मेरा काम भी तुम कर दो, मतलब अपना काम ना किसी और से कराने का थोड़ा वहाँ पर आदत होती है। बट वो आप जब वहाँ पे काम करोगे आपकी दोस्ती हो जाएगी तब ठीक है, अदरवाइज़ जब आप नए नए जाते हो ना आपको लोग थोड़ा सा हरास करेंगे या बुली करेंगे, हरास तो नहीं, हरास तो गलत वर्ड हो गया, बुली करते हैं जैसे कि तुम भाई मेरा काम कर दो, है ना। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है केयर होम में। दूसरा, आपका फ़ोन आपके पास नहीं होता, डोर टू डोर में आपका फ़ोन आपके पास होता है तो आप जब मर्जी फ़ोन कर लो किसी को, आपका ब्रेक होता है, अपनी मर्जी से ब्रेक लेते हो, वहाँ पर सब कुछ फिक्स्ड होता है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। केयर होम के और डोर टू डोर में एक जो सबसे बड़ा फ़र्क है, और मुझे लगता है यही एक ऐसा फ़र्क है जिसकी वजह से हमें केयर होम को चूज़ करना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ, ना कि डोर टू डोर को, वो है वेजेस। अगर मज़े देखो तो मज़े तो डोर टू डोर में ही है, क्योंकि देखो आपको रेस्ट करने का टाइम मिलता है, आपका फ़ोन आपके पास होता है, आप अपने हिसाब से चलते हो, ठीक है, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। केयर होम में लेकिन आपकी वेजेस डिफरेंट होती है। सो नॉर्मली केयर होम की वेजेस जो होती है वो 11 पाउंड से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर हम बात करें डोर टू डोर की, तो डोर टू डोर की वेजेस जो होती है, जैसे कि अभी मिनिमम वेज चला हुआ है 9.75। और हाँ, डोर टू डोर में अगर तो आपको ड्राइविंग आती है तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ड्राइविंग वालों को आप लोगों को माइलेज भी मिलेगी, जितना आप ट्रैवल करोगे जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है उसमें आपको माइलेज मिलती है। सो उसमें थोड़ी सी आपकी वेजेस का फ़र्क पड़ जाता है, लगा लो 10 पॉइंट कुछ मिलता है, समटाइम 20 और 50, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इतना होता है। लेकिन केयर होम ठीक है, आपने एक ही जगह जाना है, आपको पता है कि आपने एक ही जगह जाना है, बट समटाइम क्या होता है ना, 12 घंटे एक ही जगह निकालना बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। सो अगर आप कर सकते हो केयर होम की जॉब तो आपको करना चाहिए, लेकिन आप खुली हवा में रहना चाहते हो, वेजेस से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आई थिंक आपको फिर डोर टू डोर जाना चाहिए। सो स्पॉन्सरशिप दोनों में मिल रही है, वो आपके ऊपर है कि आपने कौन सी लेनी है। अगर आपको आपके एरिया में कोई भी अच्छी सी स्पॉन्सरशिप मिलती है, आप देखो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, आपको खुद को फ़ायदा होना चाहिए, चाहे कोई भी जॉब करे। जो अगर मैं कोई भी जॉब करूँ, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं किसी भी जॉब में पैसे बचा रही हूँ तो मेरा फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। सो अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको जाना चाहिए। तो अभी हम जैसे वेट कर रहे हैं हमारे अदर कैरियर का, तो अभी देखो मेरे पास टाइम है और मैं वीडियो बना रही हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं केयर होम में होती तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, क्या पता मेरे ऊपर कैमरे होते, तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात। ये मैं बोलना भूल गई थी, अभी अभी शुरू हो चुकी है ठंड, देख आप मुझे देख सकते हैं, मैंने स्वेटशर्ट पहनी है, उसके ऊपर ये है, इसके अंदर भी एक वार्मर पहना हुआ है मैंने। तो जी ठंड शुरू हो चुकी है, डोर टू डोर में सबसे बड़ा मसला ये है ठंड का, बर्फ़ पड़ रही हो, अभी तो ठंड स्टार्ट हुई है यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पे देखो सालों, मतलब पूरे साल ठंड ही रहती है, लेकिन अब जो हो रही है मस्त वाली, तो उसमें बहुत ट्रबल होता है जब आप घर जाते हो ना 9, 9:30, 10 बजे, तो बहुत आफत आती है, और बर्फ़ में और बारिश में, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, केयर होम में जाना है या डोर टू डोर में, ठीक है, जो भी आपको बेस्ट है वो आप चूज़ करो। शिफ्ट मेरी हो गई है ख़त्म, तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मेरी शक्ल दिखेगी नहीं, कोशिश करी थी, अंधेरा हो रखा था। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, अभी देखो कितने बज गए हैं, अभी बज गए 10:30, और अभी मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई है, अभी मैं यहाँ से बस पकड़ूँगी फिर घर जाऊँगी, सो 11 बज जाएंगे। तो डोर्स तो मिल गई मुझे, और मेरी हालत हो चुकी है एकदम खस्ता, आज की बैटरी भी फ़ोन की भी और मेरी भी ख़त्म। मिलते हैं नए व्लॉग में।